All right, नमस्ते जी, दिस इज मनु अगेन फ्रॉम चार्टियंस। लेट्स लुक एट व्हाट मार्केट्स डिड टुडे एंड व्हाट मार्केट्स कैन डू टुमारो। आज मार्केट्स ने क्या किया और कल मार्केट्स क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट वाज आवर व्यू फॉर द डे। आवर व्यू फॉर द डे वाज 222 के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो हम लोग शॉर्ट्स होल्ड नहीं करेंगे। बेरिश ट्रेड्स हम लोग लेंगे जब 24,025 ब्रेक होएगा। और बैंक निफ्टी में जब हम लोग ने बोला था कि 51,800 के नीचे और 51,400 के नीचे तो लेना ही था हमको बेरिश ट्रेड्स। वाई? बिकॉज यहाँ से ये वाला लोग अपना स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस बोल सकते हैं, यहाँ से जो बाइंग आई थी वो लोग अगर मार्केट नीचे आए देन हम पैनिक में सेलिंग करेंगे। एंड वही हमको देखने मिला। एक यू कैन से एक ट्रेंडिंग डे था जो मैंने आपको बोला है, देखो ये वीक में ऑप्शन बायर्स का मार्केट रहने वाला है। एंड आज भी ऑप्शन बायर्स का ही मार्केट था। ओके, सो पहली बार जो भी ट्रेड्स है उसमें यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू इट। हम लोग को भी अगर आप देखोगे फर्स्ट इनिशियल मॉर्निंग में मार्केट थोड़ा आपको इरिटेट कर रहा था, हमको भी इरिटेट कर रहा था। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा था कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ने चलो यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया था। लेट्स सी बैंक निफ्टी का चार्ट। देखो बैंक निफ्टी ने अराउंड 10:30 को ही ब्रेकडाउन दे दिया था यहाँ पे। ओके, बट निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी 10:30 को देखो क्या कर रहा था, निफ्टी अपने डे लोस के पास ही होल्ड कर रहा था। प्रीवियस डे लोस, प्रीवियस डे लोस के पास यहाँ पे होल्ड कर रहा था। तो इट वॉज वेरी कंफ्यूजिंग, यू नो, क्या करने का चाह रहा है मार्केट यहाँ पे। ओके, सो बट मार्केट ने अल्टीमेटली क्या किया, मार्केट ने फिर जब भी ट्रेंड क्लियर हुआ दैट्स व्हेन, यू नो, आई थिंक हमने मेन चैनल पर भी हमने एक ट्रेड शेयर किया, उसको 2x किया। तो काफ़ी सारे 2x ट्रेड्स हमने शेयर किया। आई थिंक 3 2x ट्रेड्स थे आज। एक मिड कैप निफ्टी में था, आई एम सॉरी नॉट मिड कैप निफ्टी, दोनों फिन निफ्टी में थे आज। जो भी ट्रेड्स ऑफकोर्स अगेन यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा तो यू गाइस कैन गो थ्रू दैट। ओके, सो इट वाज अ डाउन ट्रेंडिंग डे एंड इट इज़ वेरी क्लियर नाउ कि अब मार्केट बेयर ग्रिप में आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे देन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। 25,500 अभी तक ब्रीच नहीं किया। तो 25,500 जब तक ब्रीच नहीं करता तब तक बुल्स नहीं आएंगे मार्केट में। ओके, सो इट इज़ वेरी क्लियर। मार्केट्स ने अभी बहुत जन बोलेंगे कि काइंड ऑफ ए डबल बॉटम हो सकता है डबल बॉटम। बट देखो अभी ये लेवल 1, 2, 3 बार टेस्ट हो चुका है। तो अगर इसके नीचे कल निकलती है मार्केट देन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर सेल ऑफ टिल 23,335। ओके, तो मेरे हिसाब से मार्केट्स इज अ सेल ऑन राइज नाउ। ठीक है, मेरे लिए मार्केट्स अब सेल ऑन राइज है। एक्चुअली सेल ऑन राइज ही थे कब से, बिकॉज मेजर ट्रेंड तो अभी तक चेंज हुआ नहीं था। ओके, सो मार्केट्स में डेली कैंडल अगर मैं देखो तो इट्स गिवन अ क्लीन ब्रेक डाउन। बैंक निफ्टी में अगर मैं देखो तो ये बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कल बुलिश लग रहे थे बट आज उसका पूरा फॉल, यू कैन से, आई मीन पूरा राइज एनगल्फ हो गया। तो ये भी अपने सपोर्ट के पास जाके क्लोज हुआ है, फिर से 51,000 पे आके क्लोज हुआ है। ओके, फिन निफ्टी अगर मैं देखो तो फिन निफ्टी भी देखो अपने सपोर्ट के पास 23,500, अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। देखो ये लेवल अभी कितने बार टेस्ट हो चुका है। तो कल अगर इसके नीचे निकलती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन अ बिग कैंडल। ओके, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो कब से एक ही रेंज में ट्रेड करा, तो कभी तो ये रेंज ब्रेक होना चाहिए तब मजा आएगा। तो जो मैंने बोला था, यू नो, स्टार्ट ऑफ द वीक में कि एक बिग मूव पेंडिंग है मार्केट में, तो बड़ा मूव मे बी ये वीक आ जाए। मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए डाउन साइड की तरफ लग रहा है बट लेट्स सी, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मार्केट्स कैन सरप्राइज एनीवन एनी टाइम। राइट, सो कल के लेवल्स देख लेते हैं। अभी इंट्राडे के लेवल्स करेंगे। इंट्राडे के लेवल्स बैंक निफ्टी, आई मीन निफ्टी में रहेंगे। ये जो हमारा आज ब्रेकडाउन आया था वही हमारा काइंड ऑफ एक सपोर्ट का काम कर सकता है, नहीं सॉरी रेजिस्टेंस का काम करेगा ये हमारा अभी। एंड यहाँ से जहाँ से आज ब्रेकडाउन आया 24,025 अपना रेजिस्टेंस रहेगा। इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट जो सीधा बन के आ रहा है वो 23,663 है। देखो इसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है मीनिंगफुल। तो कल अगर इसके नीचे निकलती है देन मार्केट्स, यू नो, एक स्लो एंड स्टडी 23,660 की तरफ जा सकते हैं। ओके, बैंक निफ्टी अगर मैं देखो तो बैंक निफ्टी में द रेजिस्टेंस नाउ बिकम्स 51,400। काफ़ी टफ रेजिस्टेंस रहेगा ये, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से गई, यहाँ पे सपोर्ट ली, यहाँ से बायर्स ने कोशिश की मार्केट ऊपर लेके जाने की बट दे वर नॉट सक्सेसफुल। मार्केट अब नीचे आ गई है। अभी ये लोग का एसएल अगर कटेगा देन और मार्केट नीचे आएगी। ओके, तो कल का एक्सपेक्टेशन इज वेरी गुड। 51,400 के नीचे रहती है मार्केट देन आई विल रिमेन शॉर्ट, आई विल रिमेन विद द ट्रेंड। ओके, यू शुड ऑलवेज ट्रेड, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड। आज हमारा भी व्यू बुलिश था बट जैसे ही ब्रेकडाउन दिखा हमको वी वर क्विक टू चेंज आर व्यू। क्योंकि हमने, अगर आप देखोगे, आज मेन चैनल पर एक सी ट्रेड भी दिया था जो आपसे कॉस्ट टू कॉस्ट में हमने बुक कर दिया था। फिर निफ्टी का अगर आप देखोगे एक सी ट्रेड दिया था हमने बट हमने देख लिया था कि मार्केट सस्टेन कर रहे हैं तो हमने वो सी ट्रेड को तुरंत बुक कर दिया था। ओके, सी नहीं सॉरी पी ट्रेड दिया था हमने। इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको ताकि, यू नो, यू गाइस डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। ओके, हमने वो पी का ट्रेड यहाँ पे दिया था जब ये ब्रेकडाउन आया था। ठीक है, बट मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे हमने वो ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर लिया। तो यहाँ पे फिर से जब फिर से ब्रेकडाउन आया, मतलब ये लोज भी ब्रेक हुआ और यहाँ पे भी जब एक ब्रेकडाउन है हमने वो पी का ट्रेड शेयर किया था सेकंड टाइम, जो 2x हो गया आप लोग ने ट्रेड किया वो। सो ये था आज का लॉजिक। तो अगर आप देखोगे फिन निफ्टी में एक अच्छा रिस्पेक्ट हुआ है आज लेवल्स का। मार्केट पहले 23,800 के पास गई, एक रीटेस्ट दिया, फिर से हमारे सपोर्ट के पास एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा कैंडल बनाया है, डोजी बनाया है और मार्केट फिर यहाँ से काफ़ी अच्छे से नीचे गया। ओके, सो अभी निफ्टी का लेवल्स देख लिया, बैंक निफ्टी का भी लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। बैंक निफ्टी भी इसके नीचे अगर जाएगा तो 50,400 या 370 आ सकता है, ठीक है। फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी ऑन द अदर हैंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये मैंने मार्क किया था, ठीक है। तो फिन निफ्टी में अगर मेरे को लेवल्स देखने हैं तो इसका रेजिस्टेंस अब मेरे हिसाब से आप इसको ले सकते हो, ओके। जहाँ से आज सब ब्रेकडाउन है वही हमारे अब रेजिस्टेंसेस का काम करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, राइट। सपोर्ट क्या रहेगा? सपोर्ट रहेगा 23,471, इसके नीचे काफ़ी अच्छा फॉल दिख रहा है मेरे को। फिर इसके नीचे देखो, वंस अगेन वेरी क्लियर, थोड़ा खिचड़ी हो जाएगी आपके लिए, बट देखो ये लेवल यहाँ पे कितने बार अब टेस्ट हो चुका है, 23,470, मतलब 23,500 पकड़ के चलो। दिस हैज़ बीन टेस्टेड अ लॉट नंबर ऑफ टाइम्स नाउ, ओके। तो यहाँ से अब नीचे ब्रेकडाउन कंटिन्यू होता है, देन आई एम एक्सपेक्टिंग गुड सेल ऑफ इन द मार्केट। लेट्स सी इफ वी गेट दैट। देखो जो दो ही चीज़ हो सकता है, यहाँ से मार्केट फिर से सेल ऑफ दे तगड़ा वाला और मार्केट फिर से नीचे जाए, या मार्केट फिर से वो रेंज के अंदर चले जाए। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कब से रेंज में ट्रेड कर रही है, या मार्केट फिर से ऊपर जा सकती है, ओके। बट वो मार्केट ऊपर जा रही है, हमको कैसा पता चलेगा? कैसे मैंने आपको बोला है, समझाया है, हमेशा ट्रेंड अगर फाइंड आउट करना है रिवर्सल इंट्राडे में, देन आपको सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम खोलना है और चेक करना है। यहाँ पे अगर देखूँ तो लोअर लो लोअर हाई बनते जा रहा है मार्केट में, तो अगर ये लोअर लो लोअर हाई बनना बंद हुआ, मतलब समझो मार्केट अगर 23,650 के ऊपर ट्रेड करना चालू करती है, दैट्स व्हेन थोड़ा आप बुलिश होने का सोचेंगे, उसके पहले नहीं। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये मैंने आई थिंक आपको बहुत अभी समझा चुका है, ऑलमोस्ट यू नो एवरी वीक मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ इसके बारे में, लोअर लो लोअर हाई कैसे आप ट्रेंड रिवर्सल ढूंढ सकते हो इंट्राडे में, ओके। सो टुमारोज ट्रेडिंग प्लान देख लेते हैं। देखो कल अगर गैप डाउन खुला, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, देन अवॉइड करो, ठीक है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। क्यों प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा सेल ऑफ है, तो मार्केट में बहुत सारे जन ने पुट्स लेके गए रहेंगे BTST में, तो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो वो लोग बुक करेंगे। तो जब वो बुक करेंगे थोड़ा प्राइस रिवर्स करेगा, तो वो रिवर्स जब होएगा प्राइस तभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट करने का सोचेंगे, उसके पहले नहीं, ओके। सो बहुत बड़ा गैप डाउन में फर्स्ट टिक पे शॉर्ट नहीं करना है, ओके। फ्लैट खुल रहा है मार्केट या इसके अराउंड खुल रहा है मार्केट, देन दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट, ओके। तो फिर मार्केट 23,850 के नीचे रहता है, देन कोई भी लॉन्ग्स नहीं लेंगे अपन, शॉर्ट्स ही ट्रेड करेंगे, ओके। बैंक निफ्टी में भी कल का ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी भी रहेगी, तो 51,400 इज योर लेवल। जब तक ये लेवल के नीचे है तब तक लॉन्ग्स नहीं लेना है, शॉर्ट्स पे ही फोकस करना है, बिकॉज आज एक अच्छा ब्रेकडाउन दे दिया है मार्केट ने। ऑलराइट, सो टुमारोज ट्रेडिंग प्लान रिमेन्स वेरी सिंपल, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, ठीक है। एंड मार्केट्स अभी बेयर ग्रिप में है। आई थिंक मैंने दिवाली के टाइम बोल दिया था कि देखो 2025 में ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट मत करो, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ, मतलब अप्रैल मई तक। 2022 2023 में जो मार्केट्स था या 2024 में भी जो मार्केट्स था, यू नो, जहाँ पे राइस कंटिन्यू हो रहा था, वैसे रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट मत करो इन 2025, मिड 2025 तक, मतलब अप्रैल मई तक। थोड़ा स्लो मूविंग मार्केट हो सकता है, ओके। सो जो भी स्टॉक्स आप चूज़ करोगे वो एकदम चुन चुन के चूज़ करना है, जो सेक्टर स्ट्रांग है वही स्टॉक्स को चूज़ करना है, जैसे केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर इज स्ट्रांग, ठीक है। और कोई सेक्टर फिलहाल के लिए, PSU बैंक थोड़ा स्ट्रांग दिख रहे, बट देन आई डोंट यू नो लाइक ट्रेडिंग PSU बैंक्स, ठीक है। PSU बैंक भी अगर मैं देखूँ तो नो डाउट यहाँ पे एक बेयर ट्रैप बना के ऊपर गया, अब यहाँ से देखते हैं अब ये सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है, ओके। अगर इसके नीचे आ गया देन फिर तो ये बुल ट्रैप हो जाएगा और फिर मार्केट यहाँ भी नहीं रुकेगी, फिर और नीचे जा सकती है, ओके। वैसे भी PSU बैंक्स में अवॉइड करता हूँ, फोकस ऑन सेक्टर्स दैट आर स्ट्रांग। तो स्ट्रांग सेक्टर्स मेरे हिसाब से केमिकल है फिलहाल के लिए, और फार्मा है। फार्मा में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बिकॉज फार्मा काफ़ी बढ़ चुका है, तो फार्मा में भी अगर आप ट्रेड्स ले रहे हो फ्रेश, देन क्वांटिटीज़ कम रख के ट्रेड लेना अगर फ्रेश लॉन्ग्स ले रहे हो तो। बाकी केमिकल में आप ले सकते हो धीरे धीरे लॉन्ग्स। एंड अगर आपको देखो, अगर बहुत जन सोच रहे हैं क्या मार्केट्स और गिरेगी, येस मार्केट्स और गिर सकते हैं। देखो बहुत जन जब मार्केट्स बढ़ रही थी वो पूछ रहे थे कि यू नो जब मार्केट्स यहाँ से बढ़ रही थी, बहुत जन पूछ रहे क्या मार्केट कब गिरेगी, ओके। अब जब मार्केट गिर रही है तो लोग पूछ रहे हैं कि और कितना गिरेगी, ओके। सो वही है, मार्केट्स में भी फिलहाल के लिए ट्रेंड डाउन है, तो आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट कितना गिर सकती है। तो ये सोच के कभी भी लॉन्ग्स नहीं करना है कि इतना गिर गया है अब और नहीं गिरेगा, सोच के लॉन्ग्स तो बिल्कुल नहीं करना है, ओके। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो 23,335 आ रहा है, ओके। तो अगर ये जब तक यहाँ पे अगर कोई मार्केट आ जाती है देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग, थोड़ा अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना चालू कर सकते हो। वैसे हमने तो बनाना चालू कर दिया, अभी हमारा देखो 70% वी आर इन्वेस्टेड। जब ये कैंडल बनी थी यहाँ पे 70% हमने इन्वेस्ट कर दिया, जो भी कैश हमने रखा था 70% इन्वेस्ट कर दिया। तो अभी मार्केट और जब गिरेगी, यहाँ पे जब आएगी, तो अपन जो रिमेनिंग 30% है वो भी इन्वेस्ट कर देंगे एंड वी विल होल्ड ऑन टू यू नो आर गेन्स लॉन्ग टर्म के लिए, नॉट शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। वाई? बिकॉज देखो जब भी कोई 10% का करेक्शन आता है कभी भी उसको वेस्ट जाने देना नहीं है, ओके। जो भी स्टॉक्स आपके ये रैली में मिस हो गए थे आप ये करेक्शन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप गिरेगे, देखो ऐसा नहीं कि स्टॉक्स धीरे धीरे ऐड करो। समझो जो मैं ट्रिक हमेशा बोलता हूँ आपको कि समझो अगर आपको एक स्टॉक में 100 रुपीज़ डालना है, ओके, बट आपको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी, ओके, तो आप क्या सोचते हो कि नहीं मैं रुकूंगा, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आपको एक स्टॉक में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है एंड मार्केट अच्छी गिर गई है तो 100 रुपीज़ के बदले 50 रुपीज़ आप ये लेवल्स पे डाल दो मार्केट में, ओके। अगर मार्केट और गिरती है तो और आप 50 रुपीज़ डाल सकते हो। तो इन दिस वे व्हाट हैपेंस कि मार्केट अगर रिवर्स भी करता है तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न्स तो मिलेगा। नहीं तो आप क्या सोच रहे थे कि मार्केट और नीचे गिरेगी और नहीं गिरेगी और आप इन्वेस्ट कर ही नहीं पाए तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। बट एटलीस्ट अगर आप 50% इन्वेस्ट कर देते हो मार्केट में, देन एटलीस्ट आप अगर मार्केट रिवर्स करती है तो आपके पास वो 50% जो आपने इन्वेस्ट किया एटलीस्ट उस पर तो गेन्स मिलेंगे आपको, तो फोमो नहीं रहेगा आपको। सिंपल एज दैट। तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। So that's about it for the market view for tomorrow, guys. I hope you guys liked this video. If you guys liked this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.